मैंने सुना है सर कि आदि चोपड़ा से आपकी बहुत पहले बात हुई थी एक, और उन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एक्शन फिल्म करूंगा साथ में, लेकिन दिलवाले दुल्हनिया आ गई। तो ये क्या था, अंदर की बात क्या थी, कुछ बताइए ना, कुछ हुआ था ऐसा बात? जब हमने शुरुआत की थी हम डर शूट कर रहे थे जी, हम रात को पैमान थी, मैं, उदय, जूही आदि, हम सब बैठ के स्क्रैबल खेला करते थे बैकअप के बाद। एंड देन आदि का एक दिन बर्थडे था, एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ आदि बिकॉज उसकी शुरुआत थी, ही वॉज द चीफ एडी ऑन द फिल्म एंड ही हैज अ वेरी गुड माइंड। एंड बिकॉज आई थिंक हम उम्र भी थे, मुझसे छोटे हैं वो, लेकिन क्लोजर टू हिम देन द अदर पीपल इन द यूनिट। सो ही सेड यार मैं एक फिल्म बनाऊंगा, तो ऑन हिज बर्थडे ही सेड तू पिक्चर करेगा, आई शुड लव टू डू इट। एंड देन ही नरेटेड दिस कि मैं एक्शन हीरो हूँ बिकॉज मैं डर कर रहा था, और मे बी व्हाटएवर ही सेड कि ना ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा। मैं इतना एक्साइटेड हो गया। फिर दो चार साल बीत गए, दो साल डेढ़ साल बीत गए, डर चल गई। उसके बाद मैं महबूब स्टूडियो में बैठा से मैं आ रहा हूँ कहानी सुनाने के लिए, मैं कहा जाए यार बिकॉज मुझे कोई एक्शन फिल्म देता नहीं था। एंड आई रियली वांटेड टू बी एन एक्शन हीरो, ऑनेस्टली मेरी लाइफ का ड्रीम था कि वाइट बनियान हो, मसल हो, थोड़ा सा ब्लड हो, हाथ में एक लड़की हो और बंदूक हो, मेरे को पोस्टर चाहिए था। तो मेरे को बस यही था कि और मुझसे कोई बात करे, मैं बात नहीं करूँ, पहले गोली मारूँ। हाँ, मुझसे कहे हेलो राहुल, हाय पठान, फिर बात करो गोली मारने के बाद। तो एक क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म थी, आई एम नॉट अलोन, आई हैव मी, स्मिथ एंड वेसन। सो वो गन का नाम होता है स्मिथ एंड वेसन, हालांकि बंदूकों के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं वायलेंस 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 आई डोंट लाइक वायलेंस, बट आई रियली वॉन्टेड टू प्ले एन एक्शन हीरो। एंड देन ही केम एंड नरेटेड टू मी दिस फिल्म, मैं बड़ा एक्साइटेड महबूब स्टूडियो में ऐसा करके बैठा कि हाँ। एंड उसने मुझे फिल्म सुनाई, तुझे देखा तो ये जाना। तो मैं भी ये क्या है फिल्म, इसमें एक्शन कब आएगा? मैं सुनता रहा, मैं समझा कि शायद इंट्रोडक्शन में आएगा, शायद सेकंड हाफ में होगा, इन तक एक्शन ही नहीं था फिल्म के अंदर। मैं बाऊजी की ऐसी तैसी, बाऊजी को मारो असल में यार, मैं रहा हूँ यार, बाऊजी भी ठीक कह रहे हैं तो फिर मैं क्या करूँ पिक्चर के अंदर। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, मैं यश जी को फोन किया, मैं इसको क्या हो गया, ये तो ठीक ठाक था मेरे साथ, औजार, लोहार, पत्थर, हथौड़ा, ऐसी कोई पिक्चर बनाने वाला था। फिर ऐसा चलता रहा, फिर मैं नेक्स्ट बनाऊंगा। फिर हमने दिल वाले दुल्हनिया कर ली, जो ठीक ठाक फिल्म थी। उसके बाद फिर दिल तो पागल है बना दी, वो भी ठीक ठाक फिल्म थी। फिर वो ऐसे ही ठीक ठाक फिल्म मेरे साथ बनाता रहा, और एक्शन फिल्म बनाई नहीं। अभी भी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, तीन चार साल पहले उसने मुझे एक एक्शन फिल्म सुनाई, फिर उसने मेरे साथ वो नहीं बनाई, मुझे कहा अभी तू बॉडी बना ले। फिर जब ये अभी आए और उन्होंने मुझे बोला मैं 15 मिनट बात करूंगा, जो पहला सीन है सिड और आदि ने मुझे नरेट किया कि वो बोलेगा कि 5 सेकंड तू ऐसा सोचता है, 5 सेकंड तू ऐसा सोचता है, 5 सेकंड और फिर तू कहेगा कि पठान तू जिंदा है। उन्होंने ये सीन सुनाया ना, फिर वो सुना के चला गया। फिर पूजा मेरे साथ बैठी हुई थी, फिर मैंने उन्हें कहा ये झूठ बोल रहा है। तीस साल के बाद या 25-27 साल के बाद उसने जो मुझे प्रॉमिस किया था उसने कीप किया है। और फिर आई थिंक पूजा ऑल्सो पुट इट आउट समवेयर कि दिल वाले दुल्हनिया एक हॉल में चल रही है हमारी मराठा मंदिर में, और वहीं पठान भी चल रही है। तो उसने कहा जिसका टिकट ना मिले दूसरी वाली देख लो। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आदि ने वो अपना वादा पूरा किया है, और मैं इसलिए भी बड़ा खुश हूँ कि मैंने उसको प्रूव कर दिया कि भाई मैं एक्शन कर सकता हूँ। तो आई होप ही टेक्स मी इन मोर एक्शन फिल्म्स, आई होप सिड टेक्स मी इन मोर एक्शन फिल्म्स, आई होप जॉन वर्क्स विद मी इन मोर एक्शन फिल्म्स। एंड दीपिका तो मैंने बताया, वो एक्शन मेरे साथ कर देना बस, वाह वाह।